दो तारीख को पटना राजभवन का जोरदार तरीके से हजारों किसान को लेकर मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल के नेता में बैनर के हम लोग घेराव करेंगे हम लोग पर लाठी भी चलेगा गोली भी चलेगा फिर भी बिहार के किसान की हित की लड़ाई मुजफ्फरपुर से ऐसा रहना ले लूंगा पटना के राजभवन का गेट खुल जाएगा इस बार हार नहीं मानिएगा आप लोग हम नहीं हार मानेंगे हम लोग उन्नीस सौ नब्बे के प्रोडक्ट है आदरणीय लालू प्रसाद यादव के प्रोडक्ट है सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दो सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा जो है पटना में जो है आंदोलन जो है एक दिवसीय होगा जिसमें ग्यारह सूत्री मांग जो है किसानों के द्वारा उठाया जा रहा है ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मंगल यादव हैं क्या कहेंगे क्या कुछ तैयारी है दो सितंबर को दिन क्या कुछ होने वाला है पटना में चलिए पहले इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको मौका दिया है दो तारीख को हम लोग बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष लोकप्रिय डॉक्टर गोपाल कृष्ण उर्फ चंदन यादव जी के द्वारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विचार पर किसान की जनता की जन समस्या के लेकर हम लोग पटना का दो तारीख को मुजफ्फरपुर ज़िला किसान प्रकोष्ठ के द्वारा हम लोग जोरदार तरीके से हज़ारों किसान की संख्या में घेरने का काम करेंगे जो हमारा मांग है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार या दोगली नीति किसान के प्रति किया जा रहा है बिहार में इसके विरुद्ध ताकि हमारे किसान को आज जो जमाबंदी जो सर्वे हो रहा है पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है कि जनता लंबी-लंबी कतार लगा करके और जमीन के सर्वे के लिए मेला लगाया जा रहा है अवैध रूप से मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं और राजस्व भूमि सुधार मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि पहले आपके पदाधिकारी के द्वारा जो रजिस्टर वन में रजिस्टर टू में गलत तरीके से छेड़छाड़ किया गया है इसको सुधार करवाएं तब जमाबंदी और सर्वे का वह कार्यक्रम को शुरू करें नियमबद्ध ताकि हर ब्लॉक में देखने को मिला है कि किसान काफ़ी बेदहा बेहाल है और पदाधिकारी ऑफिस छोड़ छोड़ करके अंचल छोड़ के गायब हो रहा है दूसरा मांग है हमारा कि बिहार प्रदेश में हर प्रखंड में चीनी मिल का निर्माण हो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में हमारा जो किसान है वो कृषि पर आधारित लोग जो गन्ना की खेती करके जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई सगाई करते थे आज उस फैक्ट्री को चीनी मिल को बंद कर दिया गया है जो परेशानी हो रही है बिहार में मैं मांग करना चाहता हूँ कि बिहार में पशुपालक किसान जो पशु पोष करके, दूध के उत्पादन करके अपने जीविका का उपार्जन करते हैं बिहार सरकार वैसे किसान को चिन्हित करके उसको गाय भैंस उपलब्ध कराए और दूध का सही दर निर्धारित करके हमारे जनता को बिहार के तमाम ज़िला में हमारे किसान को उपलब्ध कराए साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि विदेशी जो खादान है जो केमिकल है जो हमारे किसान को गलत तरीके से दिया जा रहा है जो बीज बिना ट्रायल किए हुए हमारे बिहार में किसान के बीज बेचा जा रहा है हमारे किसान धड़कले से बिना ट्रायल के ले लेते हैं जो बीघा के बीघा हमारे किसान की मक्का में दाना नहीं होता है यह मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूं और कृषि मंत्री जी से मैं बात कर मांग करना चाहता हूं कि वह बिना ट्रायल के हुए उस बीज को किसान के बीच बिहार में नहीं लाए साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि डीजल मोबिल ट्रैक्टर जो इत्यादि जो किसान के उपयोग का चीज़ है जो उपकरण है उसको जीएसटी से बाहर करें और यही के साथ हम लोग दो तारीख को पटना राजभवन का जोरदार तरीके से हजारों किसान को लेकर मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल के ने तत्वाधान में बैनर के हम लोग घेराव करेंगे और हम अपनी मांग को मांगेंगे अच्छा, लगातार जो है आप लोग बात को उठाते हैं मगर उस पर कोई काम नहीं होता है फिर से आप लोग आंदोलन के आगाज कर रहे हैं फिर लाठी चार्ज होगा लाठी चलेगा कोई बात नहीं है बिहार के किसान के लिए राष्ट्रीय जनता दल उन्नीस सौ नब्बे से गरीब दलित पिछड़ा किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया है हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के आदर्श और विचार पर चलने वाले लोग हैं हम लोग पर लाठी भी चलेगा गोली भी चलेगा फिर भी बिहार के किसान की हित की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तत्वधार तो तो में हम लोग लड़ने का काम करेंगे चाहे लाठी चले चाहे सोटा चले मुजफ्फरपुर से ऐसा रहला रह लूँगा पटना के राजभवन का गेट खुल जाएगा इस बार हार नहीं मानिएगा आप लोग हम नहीं हार मानेंगे हम लोग उन्नीस सौ नब्बे के प्रोडक्ट है आदरणीय लालू प्रसाद यादव के प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग अभी के प्रोडक्ट नहीं है लाठी छोटा चलेगा गोली भी चलेगा तो हम लोग सीना पर खाने के लिए तैयार है किसान के लिए अच्छा, मुख्यमंत्री जी तो लगातार जो है सर्वे अभी करवा रहे हैं उसके बाद लगातार जो है सभी योजना जो है नीतीश सरकार जो है दे रही है आप बोलते हैं कि कोई योजना नहीं मिल रहा है आंदोलन बिहार सरकार 2025 में विधानसभा चुनाव है ये जनता को गुमराह कर रहे हैं अब यह सर्वे कराने का समय था क्या 2026 में नहीं करा सकते थे 25 में इसलिए करा रहे हैं कि जनता को दीर्घमित करके 2025 के मुद्दा चुनाव के मुद्दा को हम सर्वे में लगा दें उसके दिमाग को ताकि इस बिहार में जो हम कर्म कुकरम करें किए हैं जो पुल पुलिया गिरा है आज जो बिहार में बलात्कार हो रहा है मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है आपको मोतीपुर की बचिया बेटिया हमारी आपको लालू छपरा पारू जैसे जगह जो हॉस्टल में उसको बलात्कार करके सामूहिक हत्या किया गया वो बच्ची को की गई मैं मांग करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के संस्कार खत्म हो चुका है जस खत्म हो चुका है और इनका सरकार गाड़ी पर चल रहा है जिस तरह जोगार गाड़ी में बिना लाइट बिना ब्रेक बिना नंबर बिना इंश्योरेंस बिना टेस्ट के गाड़ी जोगार गाड़ी बिहार में चल रहा है यह अफसर की शासन है बिहार में मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि सर्वे आपको कराना था आप 2025 के बाद कराते 2025 में कराने की सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत जो बिहार में पुल गिरा है जो बिहार में बलात्कार हो रही है लूट हो रहा है डकैती हो रहा है इसको छुपाने के लिए इसके जनता को दीभ्रमित करने के लिए यह सरकार या सर्वे का काम चालू किया सितंबर का जो जो दिन है ऐतिहासिक बनेगा एकदम ऐतिहासिक बनेगा बिहार सरकार को हम लोग मना के छोड़ेंगे लगभग कितना भीड़ रहेगा हम लोग कहते हैं कि कम से कम पांच लाख से ऊपर भीड़ रहेगा हम लोग को किसान प्रकोष्ठ के सिर्फ कार्यकर्ता और किसान का हम लोग पूरा रगड़ के छोड़ देंगे इस बार बिहार सरकार को मना के छोड़ेंगे बिहार सरकार को नीतीश जी को इस बार नीतीश जी फंस गए हैं फंस गए हैं किसान के चक्कर में सर्वे कराना है ना इस बार इनका सर्वे कर देगा बिहार के जनता चलिए जो है दो सितंबर के जो है बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक जो है पटना में होने जा रहा है ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है किसान प्रकोष्ठ के सभी और जिला के जो जितने भी सदस्य हैं और किसान हैं जो है पटना में चढ़ाई करेंगे ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो ग्यारह सूत्री जो मांग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से की जा रही है इन लोगों की जो है बात मानी जाती है या फिर जो है लाठी चार्ज होता है ये भी देखने वाली बात होगी ऐसे में जो है सर्वे को लेकर जो है काफ़ी सस्पेशन बना हुआ है ऐसे में सर्वे को लेकर जो है बहुत बड़ा सवाल जो है मुजफ्फरपुर जिले के जिला अध्यक्ष जो है मंगल यादव ने सवाल खड़ा किया है ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा तब तो तक ले दीजिए जय हिंद जय बिहार